मनोज कुमार नाम का व्यक्ति दोपहर के समय में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी वहां पर एक पुलिस वाला बाइक पर आता है और आने के बाद अपनी बाइक से उतरकर मनोज के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही मनोज पुलिस वाले को देखता है तो वो कहता है कि साहब चाय पी लीजिए, लेकिन वो जल्दबाजी का बहाना करता है और चाय पीने से मना कर देता है। इसके बाद जो मनोज कुमार था वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और उस पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला उस लिफाफे को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो व्यक्ति उस दुकान पर चाय बना रहा था वो आकर उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि साहब चाय पी लो, मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूं। अब इसके बाद वो पुलिस वाला उससे हाथ झटकता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग घेराबंदी कर उस पुलिस वाले को रोक लेते हैं। कौन था वह चाय वाला और किस वजह से उस पुलिस वाले को लोगों ने घेराबंदी कर रोका था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है मनोज। मनोज जो कि आर्मी का जवान है और आर्मी की ड्यूटी पूरी करने के बाद उसे रिटायरमेंट मिल चुकी है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और उसकी पत्नी है और उसके दो बच्चे हैं। अब मनोज की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी तो इसके बाद उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुम किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दो और तुम्हारा काम जल्द से हो जाएगा और मेरे हिसाब से और भी कोई सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो मनोज था वह जॉब कर करके थक गया था तो वह अपने माता पिता से मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैंने काफी दिनों तक आर्मी में सेवा दी है तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं, इस जॉब के चक्कर में ना ही पढ़ूं तो ही अच्छा है। इसके बाद उसके माता पिता उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा चाहता है तो तू कोई बिजनेस कर ले, क्योंकि अभी काफी ज्यादा उम्र पड़ी हुई है तो ऐसे ही घर पर थाली बैठकर क्या करेगा। तो उसके बाद जो मनोज होता है वो एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है जिस दुकान पर वो नए और पुराने दोनों तरह के फोन बेचा करता और साथ में सिम भी बेचा करता था। अब उसके बाद जो मनोज होता है वो अच्छी तरह से ग्राहकों को हैंडल किया करता और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने भी लगती है। धीरे धीरे उसको वहां पर काम करते हुए एक साल बीत जाता है और इस एक साल के दौरान उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी थी। अब एक साल बाद अचानक से एक दिन मनोज की दुकान पर एक हवालदार आता है और उसे थाने चलने के लिए कहने लगता है। अब जो मनोज होता है वो इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान और परेशान है और सोच विचार में पड़ गया है कि आखिर मुझे थाने क्यों बुलाया है। तो वह उस हवालदार से कह देता है कि ठीक है साहब आप जाइए, मैं आपके वहां पर आ जाऊंगा। उसके बाद हवालदार वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद जो मनोज होता है अपनी बाइक लेता है दुकान से और सीधा उस थाने में पहुंच जाता है जहां के लिए हवालदार साहब उससे कहकर गए थे। वहां जाने के बाद जो थाने के दरोगा थे वो उससे कुछ इंक्वायरी करते हैं। उसने एक सिम कार्ड बेचा था जिस सिम कार्ड के जरिए किसी ना किसी गुनाह को अंजाम दिया गया था। तो उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वो उसे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं और मनोज भी अपनी तरफ से उनकी पूरी तरह से तसल्ली कर देता है। अब तसल्ली होने के बाद जो वहां के थानेदार होते हैं वो उसको भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे से अपना काम करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड उसने खरीदा है तो तुम्हारे यहां से सिम कार्ड खरीद कर को किसी भी तरह यूज कर सकता है, इसमें तुम्हें क्या पता कि कौन सा इससे कोई क्राइम करेगा या कोई इसे अच्छे यूज में लेगा। ऐसा कहकर मनोज को थानेदार साहब ने छोड़ दिया था और मनोज दोबारा से अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10 से 15 दिन बाद एक और पुलिस वाला मनोज के पास आता है और वहां आकर मनोज से बातें करने लगता है। बातों में उसको बताता है कि तुम्हारे यहां से एक सिम खरीदी गई है और उस सिम के जरिए एक क्राइम को अंजाम दिया गया है तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और तुम्हें मेरे साथ दूसरे राज्य चलना होगा। अब इस बात को सुनकर मनोज थोड़ा सा हैरान है क्योंकि 15 दिन पहले वे यहां के थाने में गया था और वहां जाने के बाद इस बात की उसने पुष्टि करा दी थी, फिर ये दरोगा साहब मुझे यहां से ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद वह दरोगा साहब से बात करता है और बातों में उसको बताता है कि साहब मेरा तो धंधा है, अगर मैं यहां से वहां पर गया और इंक्वायरी में थोड़ा बहुत टाइम लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि उस दुकान को चलाने के लिए मनोज बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था तो इसी वजह से वह नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसे अपने धंधे से दूर रहना पड़े। तो उसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो इस इंक्वायरी से बच भी सकते हो। तो जो मनोज है वो कहता है कि साहब कैसे, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इस इंक्वायरी से बचना है तो आपको 50,000 रुपए देने होंगे, वरना आपको बार बार उस स्टेज में बुलाया जाएगा और हो सकता है इस दौरान आपका धंधा भी ठप पड़ जाए, क्योंकि पुलिस वाले को पता चल गया था कि यह अपने धंधे के प्रति ज्यादा ही सीरियस है तो इसी बात का फायदा उठाकर वह 50,000 रुपए उससे मांगने लगता है। तो इसके बाद मनोज उससे कहता है कि साहब इस चीज के लिए तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिएगा और थोड़े टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा। तो जो दरोगा होता है वो कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है और 2 दिन बाद तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो। दरोगा साहब अपना नंबर मनोज को देकर गए थे और कहा था कि बस तुम ये बता देना कि हाँ या ना। इसके बाद मनोज अपने घर जाता है और घर जाने पर आज उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जैसे वो घर जाता है तो घर जाने के बाद उसके माता पिता इस चीज को भांप लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बेटा आज ऐसी क्या बात हुई
जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। तो उसके बाद पहले तो मनोज उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब वो बार बार पूछते हैं तो वो उन्हें बता देता है। वह पूरी कहानी उन्हें बताता है और कहता है कि यहाँ के थाने में जाकर तो मैं अपने आप उनकी संतुष्टि करा आया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई पुलिस वाला आया है और वो कह रहा है कि आपको बार बार हमारे साथ चलना होगा और वहाँ पर अपना क्लेरिफिकेशन देना होगा, इंक्वायरी तुमसे की जाएगी। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। इधर जो मनोज है वो भी गहरी सोच विचार कर रहा है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पूरी रात पर मनोज बिस्तर पर लेटा हुआ इस बात को सोचता रहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मनोज एक आर्मी ऑफिसर था तो उसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया था और यहां पर उसे दूसरे को रिश्वत देनी पड़ रही थी। इसके बाद जैसे सुबह होती है तो सुबह तक मनोज के दिमाग में एक बात आ गई थी और वह सोच रहा था कि चलो ठीक है, इस काम को भी कर ही देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस चीज को अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद अपने पिता को लेकर वहीं के सिटी एसपी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो सिटी एसपी है वो तो कहीं किसी काम से गए हैं और उन्हें आने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद मनोज अपने पिता को लेकर ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है और वहीं पर दोनों बाप बेटे आपस में बातें करने लगते हैं। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ के एसपी साहब से एक बार इसकी शिकायत करके देखता हूँ, शायद हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए, वरना फिर उसको 50,000 रुपए दे देंगे। अगर मैं बार बार वहां पर गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता भी काफी ज्यादा मायूस थे और वहीं पर बैठकर दोनों बाप बेटे एसपी साहब का वेट करते रहते हैं। अब जैसे 2-3 घंटे बीतते हैं तो 2-3 घंटे बाद एसपी साहब की गाड़ी ऑफिस की तरफ आने लगती है। एसपी साहब ऑफिस के अंदर चले गए थे तो मनोज एसपी साहब से मिलने के लिए उस ऑफिस के अंदर जाने के लिए पूछने लगता है। अब एसपी साहब के ऑफिस के बाहर जो पुलिस वाला होता है वो अंदर पूछकर आता है और पूछने के बाद मनोज और उसके पिता को अंदर भेज देता है। वहां पर जाने के बाद जो मनोज होता है वो पहले तो एसपी साहब को अपना पूरा परिचय देता है और परिचय देने के बाद अपने साथ घटी हुई पूरी कहानी को बताता है। वह बताता है कि साहब दूसरे स्टेट से कोई पुलिस वाला आया है और वो मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा है बार बार इंक्वायरी ना करने के लिए। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर भी घूसखोरी किया करते हैं। उसके बाद एसपी साहब मनोज को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल से चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तुमने अपनी इस बात के लिए इंक्वायरी पहले ही कर ली है तो उसके बाद तुम्हें इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं मनोज के सामने ही उस दरोगा के पास फोन मिलाते हैं जो वहां के थाने में मनोज की इंक्वायरी कर चुका था। अब जैसे वो उससे बात करते तो बात करने के बाद उसे पूरे मामले के बारे में पता चल जाती है। तो वह दरोगा से कहता है कि इस मामले में इससे ज्यादा इंक्वायरी तो इसकी नहीं होगी। तो दरोगा भी कहता है कि साहब मैंने इसको बोल दिया है कि इससे आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने तो सिम बेची है, आपकी सिम का को किस तरह से यूज करेगा आपको थोड़ी ना इस बात के बारे में पता है। तो इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब हैं वो थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उनके थाने के दरोगा इस चीज से संलिप्त नहीं थे। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, उसको बुलाओ, अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वरना हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो मनोज होता है वह एसपी साहब से पूछने लगता है कि ठीक है साहब, लेकिन आप उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ोगे। तो इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, उस चीज को तुम हम पर छोड़ दो, हम अपने आप उसे पकड़ लेंगे, तुम केवल उसे मिलने के लिए जगह पूछो कि वो कहां तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि ये हमारी सिटी है और यहां पर हमारी ही चलेगी। उसके बाद जो मनोज होता है उस दरोगा के पास फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद उसे कहने लगता है कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं और बताइए आप मुझसे कहां मिलोगे। ये कोडवर्ड था क्योंकि उस टाइम पर ही उस दरोगा ने बता दिया था कि जब तुम्हें अपना काम कराना हो तो उसके बाद केवल ये बता देना कि तुम्हें मिलना है और कहां मिलना है, ये चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जो दरोगा होता है उसे सिटी के अंदर की एक चाय की दुकान बताता है और कहता है कि कल दोपहर में तुम मुझे वहीं पर मिलना और वहीं पर तुमसे मिल लूंगा। ऐसा कहने के बाद दरोगा साहब ने फोन काट दिया था। इधर जो एसपी साहब होते हैं उनको भी पता चल गया था कि कल उस दुकान के ऊपर ये उससे पैसे लेने वाला है, तो वहीं पर ये छापेमारी करनी होगी। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं दूसरे दिन सुबह सुबह ही उस दुकान के मालिक को जाकर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको एक कमरे में अलग से बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि थोड़ी देर इंक्वायरी है और उसके लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो वह कहने लगता है कि साहब मेरी तो छोटी सी चाय की दुकान है और इसी से मेरे बच्चों का गुजारा हुआ करता है। तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जितने का भी नुकसान होगा उतना पैसा तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम केवल चुपचाप इस कमरे के अंदर बैठे रहो। उन्होंने चाय वाले का फोन भी ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दरोगा से मिला हुआ हो और यह उसको खबर कर दे। इसी वजह से उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और खुद ने एक चाय वाले का भेष धरा था और अपने साथ जितनी भी उसकी टीम थी उन सभी को साधारण कपड़ों में इधर उधर ऐसे ही कामों में
में लगा दिया था। कुछ एसपी साहब की टीम के आदमी वहीं पर बैठकर चाय भी पी रहे थे और एसपी साहब खुद सर पर गमछा बांधकर चाय बना रहे थे और वहां पर चाय बेचने का काम कर रहे थे। मनोज भी वहीं पर एक चाय का गिलास लेकर वहीं पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। अब कुछ ग्राहक आते हैं जो चाय वाले को जाना पहचाना करते थे, तो वह एसपी साहब से पूछते हैं कि आज वो कहाँ है, तो वो कह देते हैं कि आज उनकी तबीयत खराब है तो आज इसी वजह से चाय बनाने के लिए मैं आया हूँ। यानी कि एसपी साहब ने अपना गेटअप इतना चेंज किया था कि कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा था कि ये यहाँ के एसपी साहब हैं। अब थोड़ी देर होती है और थोड़ी देर बाद जो दरोगा 50,000 रुपए लेना चाहता था वह अपनी बाइक पर बैठकर सीधा वहीं पर आ पहुंचता है। अब जैसे वो आता है तो देखता है कि चाय की दुकान पर मनोज कुमार बैठा हुआ है और चाय की चुस्कियां ले रहा है, तो वह अपनी बाइक से उतरता है और उतरने के बाद मनोज कुमार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे मनोज दरोगा साहब को देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि साहब चाय पी लीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे थोड़ी जल्दी है, जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो और मुझे जाना है। इसके बाद जो मनोज कुमार होता है वो अपने पास से एक पैकेट निकालता है जिस पैकेट के अंदर 50,000 रुपए थे और उसे दरोगा साहब के हाथ पे थमा देता है। दरोगा साहब जैसे पैकेट को देखते हैं तो सीधा उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो वो चाय वाला था वो उसका हाथ आकर पकड़ लेता है और कहता है कि साहब चाय पी लीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएगी। अब जैसे दरोगा साहब चाय वाले की तरफ देखता है तो उसे थोड़ा सा कुछ शक होता है और वो एकदम से अपना हाथ झटकता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है और बाद में किसी दिन आकर तुम्हारी चाय पीऊंगा। लेकिन इतनी ही देर में जो भी पुलिस वाले सादा वर्दी में इधर उधर घूम रहे थे उन्होंने चारों तरफ से दरोगा साहब को घेर लिया था और जैसे ही दरोगा साहब की घेराबंदी होती है तो एकदम से उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ तो मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद दरोगा साहब अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किसको घेर रहे हो। वह मनोज की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारी चाल होगी ना, अपने लोगों से मेरी घेराबंदी करवा रहे हो, अब देखो मैं तुम्हें कैसे चक्कर में फंसाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उसके सामने रहरा देते हैं। अब जैसे एसपी साहब का आई कार्ड वो दरोगा देखता है तो एकदम से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, सर पर आसमान टूट पड़ता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेता है और फूट फूट कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगता है। अब बाजार के अंदर सभी लोग इस चीज को देख रहे थे कि एक दरोगा जो कि एक चाय वाले के पैरों को पकड़कर माफी मांग रहा है। उसके बाद जैसे ही लोग इस बात को संज्ञान में लेते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो चाय बेच रहा था वो कोई चाय वाला नहीं था बल्कि यहाँ के सिटी एसपी हैं जिन्होंने घूसखोर दरोगा को पकड़ने के लिए ये सब कुछ तय किया था और उसके दौरान इन्होंने इसको पकड़ लिया है। तो सभी लोग एसपी साहब की वाहवाही करने लगते हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। इतनी देर में एसपी साहब की गाड़ी भी वहां पर आ गई थी जिस गाड़ी के अंदर वो उस दरोगा को बैठाकर ले गए थे और मनोज कुमार के पैसे उसको वापस लौटा दिए थे। एसपी साहब उस दरोगा के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करते हैं ताकि उसे सबक मिल सके कि ऐसा किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए और ये करना कानून अपराध है। चारों तरफ इस बात की गूंज फैल गई थी और इस बात को सुनने के बाद और पुलिस वाले जो घूसखोरी किया करते थे उन सभी को सबक मिलता है। कुछ पुलिस वाले इस खबर को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं लेकिन कुछ पुलिस वालों के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देती है। जो खुश हो रहे थे वो तो ईमानदार पुलिस वाले थे लेकिन जो मायूस हो रहे थे इस खबर को सुनने के बाद वो बेईमान पुलिस वाले थे जो कि घूसखोरी किया करते थे, क्योंकि उनका एक साथी पकड़ा गया था तो हो सकता है कल को उनका नंबर भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की जिन्होंने चाय वाले का भेष धर के एक घूसखोर दरोगा को पकड़ लिया। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो दरोगा के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।